एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक असमोली में स्थित खेतपुर गांव पड़ा। वर्तमान में गांव के विकास के लिए ग्रामवासियों ने साहबुद्दीन को प्रधान के रूप में चुना है। लगभग 4500 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 55 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 13 किलोमीटर ही है। लगभग 1500 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 350 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 140 बच्चे अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 15 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 5 नल रिबोर कराए गए हैं। इसी के साथ बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 100 विद्युत पोल, 2 ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई है। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 3 सीसीटाइज रोड, खडंजे, स्कूल की बाउंड्री व पानी निकासी के लिए नाली का भी निर्माण कराया गया है। इसी के साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 120 इज्जत घर का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 100 आवास, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर, सीसीटाइज रोड व खडंजे के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं साहबुद्दीन प्रधान, ग्राम पंचायत खैरपुर से, विकास खंड असमोली। मेरे गांव में जो कार्य करवाए मैंने अभी तक, टाइल्स बिछवाई है, नाली करवाई है, बाकी स्कूल में शौचालय वगैरह बनवा दिए हैं, टंकी फिटिंग टाइल्स वगैरह लगवाई गई है, समरसेबल करवा दिया गया, जितना पैसा आया एक स्कूल की प्राइमरी की बाउंड्री भी करा दी है, इसके बाद में जूनियर की भी थोड़ी सी बाउंड्री कराई है, बाकी पैसा कम होने के कारण उसमें काम नहीं करा पा रहा हूँ मैं। और मैं चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मेरे यहाँ निधि का और कुछ बढ़ा के पैसा भेजें, जिससे कि मैं स्कूल की बाउंड्री करा सकूँ, क्योंकि स्कूल में बच्चे बहुत दिक्कत है, बाउंड्री ना होने की वजह से टंकी फिटिंग को दिक्कत आ रही है, टोटी बच्चे निकाल के ले जा रहे हैं। और मेरे गांव में लगभग एक मतलब धर्मशाला बननी चाहिए और एक सरकारी स्कूल बनना चाहिए। यहाँ से शहर बहुत दूरी पे है, यहाँ बहुत दिक्कत होती है लोगों को, और यहाँ पात्र लोग जो हैं लगभग 150 से अधिक लोग हैं जिनके मकान टूटे फूटे बंजर मकान हैं और उन्हें आज तक कॉलोनी नहीं मिल पाई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि मेरी बात जल्द से जल्द सुने और लोगों के मकान बनवाए पात्र लोगों के, और मैं बहुत ईमानदारी के साथ कार्य कर रहा हूँ अपना और करता रहूँगा। मैं ग्राम पंचायत खैरपुर से राहत अली, ये रास्ता प्रधान जी ने बनवाया, पहले बहुत टूटा हुआ रास्ता, अब रास्ता ठीक करा दिया है, और भी जो रास्ते बच रहे हैं उस पर भी प्रधान जी काम करा रहे हैं।